देखिए, जो हमने लॉ को बयान किया ना, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। कूलम्स ने ये लॉ कैसे निकाला और साइंटिस्ट कैसे कंक्लूड करते हैं लॉ को, ये हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इसकी मैंने चार डिफरेंट वैल्यूज ली। कितनी वैल्यूज ली भाई? चार, फोर। ठीक है, पहले मैंने कहा लेट्स अज्यूम दैट क्यू वन इज टू कूलम, क्यू टू भी टू कूलम है, आर वन मीटर है। ये यह मैंने सॉल्व भी किया पहले वाले को, क्यू वन टू, क्यू टू टू, आर वन। तो क्यू वन की जगह टू, क्यू टू की जगह टू, आर की जगह वन, वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा। तो टू टू आर फोर, फोर अपॉन वन इज फोर, फोर मल्टीप्लाई बाई के इज फोर के। के की वैल्यू मैंने पुट नहीं की, आप पुट कर लें। बहरहाल फोर के हमारी फोर्स है। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, Q2 को कुछ नहीं कहा, R को भी कुछ नहीं कहा, Q1 को मैंने 2 से क्या कर दिया, 2 से क्या कर दिया, नहीं 2 कूलम से क्या कर दिया, 2 कूलम से क्या कर दिया, अंधे नजर आ रहा है, 2 कूलम से क्या कर दिया, तो 2 4 कैसे बनेगा, 2 से इसको क्या करेंगे, हैं? टू से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। टू कूलम को या क्यू वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। दोबारा से इक्वेशन में वैल्यू रखें, तो अब क्यू वन हो गया फोर, क्यू टू टू ही है, नीचे वन ही है, तो फोर टू क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। जब आपने चार्ज को डबल किया तो फोर्स भी डबल हो गई, आपने क्यू वन को डबल किया तो एफ भी क्या हो गई, डबल हो गई। ऐसे ही हुआ ना। अगला एक्सपेरिमेंट, ये हमारी बेस लाइन है, ठीक है, इससे हम कंपेयर करेंगे। यहाँ मैंने अब Q1 को अगेन वही 2 कूलम, यानी Q1 को मैं चेंज, अब मैंने Q2 को चेंज कर दिया, 4 कर दिया, अगेन Q2 4 हुआ, क्या मतलब, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोबारा वैल्यू रखो 2 4, दोबारा आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो ये 4 से 8 कैसे हो गया, जब ये 2 से क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। तो यही डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जितना आप Q1 को बढ़ाएंगे या Q2 बढ़ाएंगे जिस मैग्नीट्यूड से, उसी मैग्नीट्यूड से फोर्स भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये हम सॉल्व किए बगैर डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर फोर्स 4K है, मैं Q1 को डबल कर दूंगा तो फोर्स 8K हो जाएगी। Q1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 हो जाएगा ना, तो फोर्स भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, फोर्स भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर इसको 8 करूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो इसको भी क्या करूंगा, 4 से। तो ये जब 8 कूलम होगा तो ये 16 हो जाएगा, समझ रहे हैं। Q1 डबल करूंगा तो भी फोर्स डबल होगी, Q2 डबल करूंगा तो भी फोर्स। इसी को तो कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन, इसी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस के इनवर्स रिलेशन है, डिस्टेंस अपॉन में। डिस्टेंस के लिए मैंने इसको 2 को 2 ही रहने दिया, चार्ज को 1 को 2 कर दिया, अगेन ये 1 से 2 कैसे हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, 1 मीटर 2 मीटर कैसे बना, 2 से मल्टीप्लाई हुआ। ये जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 2 हो जाएगा ना, Q1 2, Q2 2, ये भी 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, मेरा आंसर आ जाएगा K। अब देखिए नीचे R का स्क्वायर है, अगर नीचे सिर्फ R होता, अगर यहाँ सिर्फ क्या होता, R होता, तो जब आप इसको 2 करते तो फिर ये 2 से डिवाइड होता। यहाँ नीचे समझाता हूँ, अगर मेरी फोर्स में नीचे सिर्फ R होता, Q1 Q2 अपॉन R, तो Q1 भी 2, Q2 भी 2, R भी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता, मेरा आंसर क्या होता, 2 के, मेरा आंसर क्या होता, पहले मेरी फोर्स क्या थी, 4 के, फोर्स 4 के से हो जाती 2 के, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स 2 से डिवाइड होगी, फोर्स 2 से। लेकिन असल में मसला ये है कि सिर्फ डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो फोर्स डिवाइड होगी डिस्टेंस के स्क्वायर से,
उस डिवाइड होगी डिस्टेंस के, तो ये मेरा 4 डिवाइड होगा डिस्टेंस के स्क्वायर से। मेरा डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है, आर का स्क्वायर 4, समझ रहे हैं? ये वाली लाइन मैंने 1 को मल्टीप्लाई 2 से किया है, लेकिन डिवाइड 2 के स्क्वायर से करूँगा, 2 के अपॉन में 2, आर नहीं है, आर का ये 4 बेसिकली आर का स्क्वायर होगा ना, आर की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 4। बात समझ में आ रही है? तो आर का स्क्वायर जो है, अगर आर को आप डबल करेंगे तो फोर्स डिवाइड होगी 4 से, 4 से। आर को अगर आप ट्रिपल करेंगे 3, तो फोर्स डिवाइड होगी 9 से। आर को आप करेंगे 4, तो फोर्स डिवाइड होगी 16 से। तो अगर आपको एमसीक्यू कह दिया जाए कि डिस्टेंस हमने डबल कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगी, 1/4। डिस्टेंस हमने 3 टाइम्स कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगी, 1/9 टाइम्स फोर्स। अगर डिस्टेंस हमने 4 टाइम्स कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगी, 1/16। समझ में आया? ये मतलब है इस लॉ का, Q1 का क्या है, Q2 क्या है, और R स्क्वायर, आर्मी R स्क्वायर। अब यहाँ ये 3 फैक्टर हो गए, चौथा फैक्टर क्या है, मीडियम। चौथा फैक्टर क्या है, के। अभी हमने पूरी कहानी की, फ्री स्पेस के लिए के ये रहा, और फ्री स्पेस के अलावा के जो है वो ये रहा, और इसके लिए हमने कहा फोर्स को एफ प्राइम कह देंगे, 1/4 pi एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। अगर आप ये एप्सिलॉन आर को छोड़ दें, फ्री स्पेस के लिए फोर्स क्या थी, ये थी ना, तो ये 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एफ बन गया। ये सारी चीज़ें जो मैंने दायरे में बंद की है, ये बन के क्या बना रही है, ये बनाई क्या बना रही है, एफ। ये बना के क्या बना रही है, एप्सिलॉन आर नीचे रह गया। तो जब आप फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम लेके आएंगे, ये समरी हो गई, फोर्स एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो जाएगी, जो नई फोर्स आएगी। जैसे यहाँ फोर्स क्या थी, 4K। ये कब है, जब बीच में एयर या फ्री स्पेस है। अब फ्री स्पेस नहीं है, कोई और मीडियम है, तो फोर्स एप्सिलॉन आर से क्या होगी, डिवाइड होगी। फर्ज करें ऐसा मीडियम है जिसके एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 है, तो अगेन फोर्स क्या हो जाएगी, 4/2, 2, सही है? और अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 4 है तो फोर्स हो जाएगी 4/4, 1। जनरली एप्सिलॉन आर 1 से ग्रेटर होता है, एप्सिलॉन आर क्या होता है, 1 से। अगर मैं फ्री स्पेस के लिए ही एप्सिलॉन आर निकालूंगा, फ्री स्पेस के लिए, एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन क्या थी, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम अपॉन एप्सिलॉन। फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन भी एप्सिलॉन नॉट होगा, फ्री स्पेस का एप्सिलॉन एप्सिलॉन, तो यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, तो फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर क्या होगा, 1। फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर क्या होगा, 1। फ्री स्पेस के अलावा जितने भी एप्सिलॉन हैं वो इस एप्सिलॉन नॉट से बड़े हैं, एप्सिलॉन नॉट से क्या है, तो जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, आंसर 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा, सिर्फ एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर 1 होता है। तो वो तो हमें, उसके लिए तो फिर हम एप्सिलॉन आर लिखते भी नहीं है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। बहरहाल, तो जब ये 1 से बड़ा है, 2 है, 4 है, तो एफ को ये क्या कर देगा, छोटा कर देगा। किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो वो छोटी होगी बड़ी होगी, छोटी होगी ना, 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, 10/2 क्या होगा, 5, 10/4 क्या होगा, 2.5, 10/10 क्या होगा, 1। तो आंसर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आंसर क्या हो रहा है। अब मेरा तो इरादा था कि आज न्यूमेरिकल भी कराऊं, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह चलें थ्योरी सारी दी, एंड कर ली। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो आपको टेंशन होती जिसकी, वो मैंने सबसे पहले करा दी, इसीलिए क्या, 7 नंबर का क्वेश्चन। बाकी ये जो सारा मैंने समझाया है, अगेन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, जितना समझ में आ गया
अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, दोबारा लेक्चर सुनो, पढ़ो। ये मैंने जो एक्सप्लेन किया डिटेल में कि कोई भी लॉ कैसे डिपेंड करता है अपने फैक्टर्स पे, इसको ज़रा समझें। सारे लॉ ऐसे ही बनते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, वेरिएबल्स का रिलेशन क्या है, इस लॉ को, इस इक्वेशन को पढ़ना सीखें। रटना क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है इक्वेशन को, सही है। इक्वेशन के अंदर घुस जाएं, इक्वेशन के अंदर घुस जाएं, दौड़े उसके अंदर, क्या हो रहा है इसमें। एफ इज इक्वल टू के क्यू वन प्लस, क्यू वन चेंज करूंगा क्या होगा, क्यू टू चेंज करूंगा, आर चेंज करूंगा क्या होगा, के चेंज करूंगा क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है।